गांव में थोड़ी दिया गरीब आदमी में समस्या तो है ही, क्योंकि सामान सटो सब बाजार में मिले, बाजार में सब बंद कर दिया, गरीब आदमी ले जीण तो हराम है। पानी के बारे में तो के बताऊं सर, पानी में तम था हकीकत में 30 वारी है हद ज्यादा, कमाणो छोड़ दियो धंधो करा को नहीं, रसोई फुकट को बावे का पैया कर लिया कर लिया। राम राम, मैं सुदेश थे देख रहा हूँ झलको बीकानेर। चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। भाई साहब सारा सो निवेदन है कि घर बैठे रहो, कोविड-19 को तीसरा चरण जो स्टार्ट हो चुके हैं, लॉकडाउन खतरनाक रूप में लाग चुके है। 10 तारीख वहां पर देख रहा हूँ कि नियमों में बदलाव किया गया है। तो आज अपना पहुंचे हाँ लूणकरणसर तहसील के मायने, बंदा गांव है, बंदा गांव के मायने पहुंचे हाँ। अठा के गांव के हालात है जिका बताऊंगा, और गोदा लड़ रहा है, एक बार सन बता दें कि ये हालात है गांव का। तो ये है जिका गोदा लड़ रहा है, और मतलब और अठा आदमी है जिसको देखने को मिल रहे हो। तो यहाँ पर कैसे कहा कि पशु है, पशुओं के लिए भी एक पीने की पानी की व्यवस्था तो कर रखी है, थाना बताना चाहूँगा पीने की व्यवस्था है जिकी पानी की कर रखी है। रोड पशु है जिका काफ़ी है, काफ़ी भयानक है जिका रूप है जिका ले चुके हैं, रोड पशु है जिका काफ़ी पीछे भी देख सको थे नीलगाय वगैरह है। तो बंदा गांव के मायने आप जाके देखांगा कि के सिचुएशन बन रही है, और गांव के मायने के लॉकडाउन को पालन हो रहे हो या को नहीं हो रहे हो। तो थे थारे घर बैठे रहो, घर बैठे थाने सारी सूचना है, सारा जिके सारी खबर है वे थाने देता रहवांगा, सारी खबरों थाने रूबरू है जगह करवाता रहवांगा। बंदा गांव के मायने जाके स्थिति देखा, अभी तक तो फिलहाल कोई आदमी वहां नजर को नहीं आया, लेकिन जी ही मतलब एक आदमी नजर आ रहा है मैंने बाइक लेके आ रहा है, तो मैं रुकाने को थोड़ा सा प्रयास करांगा और देखांगा, बस बातचीत करके देखांगा कि लॉकडाउन को जो असर है वो कितोक पड़ियो है, सगना पर पड़ियो है या कौन पड़ियो। तो के है जगह अपने जुड़े रहा है, आप पासों बात करांगा, गांव के बारे में जानांगा, और गांव में जो को कोविड-19 को जो को तीसरा चरण है बींग आप किया मतलब पार कर कहाँ उस बात करांगा आप। तो अपना बंदा गांव लूणकरणसर तहसील में पड़े, बीकानेर तहसील में पड़े, ओ बीकानेर तहसील में पड़े, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब लूणकरणसर कठो स्टार्ट हुआ है, लूणकरणसर तो यहाँ बॉर्डर है। अच्छा, वो एकदम आप मतलब यहाँ कैसे कहा कि सामने आपने दिख रहे हो जो लूणकरणसर है वो टिब्बो, अच्छा वो टिब्बो जो थे देख पा रहे हो, लूणकरणसर की पड़ गई है। अच्छा, आप लूणकरणसर में, लूणकरणसर में यहाँ, अच्छा आई थी इन्होंने बीकानेर में आ गए, वो गांव है जो थारो आ गयो बीकानेर में, आप का खड़ा वो लूणकरणसर में। के अजीब इत्तेफाक है जल को बीकानेर के लिए कि मैं खड़ा तो लूणकरणसर तहसील में हाँ, लेकिन गांव है जो को बीकानेर में है। तो भाई साहब आप एक बात कहना चाहता था ना कि अपने गांव की जो की दिशा है बाबी के कोविड-19 के लिए जो निकलो नागड़ा क्यों कौन सर सब डरता है, बेबसी कोई आनो पड़ी है नहीं, बहुत मुश्किल है, तो भी हम घबरा उठ रहे यार, मान को डर लाग गयो, मन में ही रह के भाई ने जाने सारा लाग गया तो के होली, अरे है हकीकत भी है भी ऐसा ही, क्योंकि जितनी सुरक्षा रखा ने जितनी भी सही है, बाकी गो निकल जाकर देख लो कोई गांव में कोई मानस दिशा का एक बकरिया में आया बंदरा में वो एक लो यही है, देखो कोई मतलब नहीं है आदमी को बाहर निकलने को प्रवेश ही को नहीं, अरे जहां तक है देखो हरे के सोचना कच्चे बच्चे के यही है कि जीता बंसा ने जीतो ही फायदो है, अरे गर्म पानी पिया मतलब कोई नींबू नामू बताया करे, कोई मतलब अदरक की चाय नींबू की चाय बे पियो, अरे घर बैठे ही कमरा में रहो, जे कि कोई शख्स वो पड़ गयो तो वो एक कमरे में आपको इस्तेमाल करो। अच्छा बात है सर, क्वारंटीन हो जाओ मतलब अपना आप ही, अपना एक आप बात पूछना चाहूंगा कि कोविड-19 को जो जमानो है अगर वो नहीं हुआ तो गांव की चहल कदमी के रहे बढ़िया रहे। अच्छा, तो उन्होंने वह तो गांव की बढ़िया भी रहे तो मान को घूमतो करतो आप मान लियो शेरा में आओ को मान लियो साधन अब साधन किए मैं आयो हूँ थे खड़ा थे दिशा तो भी मन ये घबरा उठूगी यार के मानस तो खड़े यार की बात है क्योंकि आ एक महामारी चाल गई हो यानी इनको कोई इस्तेमाल तो है ही को नहीं, सरकार घनी व्यवस्था करे बेचारी बन सरकार करगिर करे के भगवान वो कुछ भी कर सके। बिल्कुल हाँ बात है। तो कोविड-19 के जमाने में थार गांव तक कोई पहला मीडिया नेटवर्क पहुंचो या जल्द आज भी पहली बार मेरी समझ जाल में 40 साल ले लिया 40 साल के मैं आज तो मारो वो प्रयास है कि मैं लॉकडाउन के महीने गांव की जाके गांव की तकलीफ उठाओ बहुत बढ़िया है बहुत बहुत तकड़ी बात है आपकी बहुत तकड़ी आपकी जान जोखिम में डाल के रहा मतलब उठाने लग रही हो बहुत अच्छी बात है जी। बड़े क्या चाहिए जी। देखता है ध्यान तो पड़ गया मैं क्या मीडिया आज मैं जिंदगी में पहली बार देखी है तो मतलब मुश्किल घड़ी गां परेशानी के बदल तो निकल गया आया है नहीं तो बाहर मतलब ग्रामीण इलाके में आने कोई मतलब पानी पुणी की सुविधा पर बात कर ले तो पानी के बारे में तो क्या बताऊँ सर पानी में तो हकीकत में 30 वारी है हद ज्यादा हम देख लिया खेड़ा है सूखी पड़ी है पानी है तो थोड़ा थोड़ा है यो लार कर ग्राम है तो कुंडी कंडिया में तो पानी की सुविधा कोनी पानी या देखा टैंकर और कोनी की कि गिरावा तो मतलब वाटर सेट बमन वाली है बट गिरावा तो भी पानी मतलब है कोनी पानी की बहुत ज्यादा तीसवारी है ट्यूबवेल है कोनी जे ट्यूबवेल करवा नहीं तो देखो करार सरकार गई है खारा पड़े ना की कर को सकाने पानी के लिए तो बहुत तीसवारी है जी एक महीनो 20 दिन पानी नहीं खुले इतनी हालत गंभीर है जो पूछो ना और टैंकर को टैंकर की साहब की ना पूछो ना 2500 2000 और के टैंकर है पानी हुए तो सर
मारो लेवे नहीं तो सूखी पड़ी है, नेर में तो कोई पानी है ही कोनी, एडिग्या मारो मुठो है जो को थन के दियो नीम की सोक हुआ है बिसी है जना मलेरिया हुआ है सीधो बीमारी बाह पड़ी है सामी, मृत्यु तो आएगी दिसेगी, पानी कोनी और कोनी सारी चीज है जी वर्षण हो रह गया। पहला के जमाने में बूढ़िया होता बेचारा मैं गो पानी हूं तो पूरा पूरा साल गो स्टॉक हूं तो यार अब वो भी कोनी, अब नेर सरकार आ गई सब सरकार के माथे तो गया, सही बात है, कमानो छोड़ दियो धंधो करा को नी रसोई फोकट को बावे का पैया कर लिया कर लिया। हाँ बात है सर। और रोजगार की बात कर ले तो रोजगार का साधन, कोई रोजगार को साधन को नहीं है, सब कपटी बैठे है, कोई है जो कोई देखा है कि मेटो यहाँ कर दिया बिया कर दिया से आपकी धुंधड़ाबाजी है, वो कहीं आज कर दिया तीजिया कर दिया है कहीं कौन, कोई रोजगार है ना कोई सर कहीं कौन है, रोजगार देख लियो बकरी ले फिर नहीं धन्यवाद माना तो इन घर है वो बकरी रोजगार है, अब मैं फिर आंदोलन कोई रोजगार को सिद्ध है दो ही सरकियों को जा रहा है लोन कण से सोच रखी है कि जा रहा यार थोड़ा सो डॉक्टर दिखा दिया तबीयत थोड़ी सी खराब सी गए ना तो भी हमें निकले डरता डरते या फिर भी आगे डर ला गया भाई ये मत जाऊंगा तो पुलिस वाला तो बेचारा आपने कारण ही करे मर करे हूं के वे तो भी आप जल जा तो बे के दिया तू क्यों घूमे तू चलेगा तो सही बेचारा जना वो भी बदन डर तो मांग आगे कोई मन बहुत लागे हम करा के आ गांव में पॉजिटिव केस आया के कोई आ बंदा गांव में तो पॉजिटिव कोनी है आज तक कोई कोनी है आज तक कोनी है पॉजिटिव कोनी है सर। और मेडिकल टीम वगैरह चक्कर निकाला कोई अर्थ मेडिकल ने कोई टीम देखी की कोनी मैं तो आज पहली बार मेरी जिंदगी में 40 साल में मैं तो वीडियो वाला देखा था ना आज बहुत धन्यवाद है आज भाग उड़े। और लाइट पानी रहे के लाइट तो रहे है लाइट ये का पशु आप देख रहे हैं तो अंग फिर लिए कोई अंग की है सर हम देख ले तो कोई भूखा है बेचारा की है इने बिन बंदरा के मां फिर रावे टाइम पास करे आगे वंदना पानी कोनी जन ये सिर बड़ा फोड़ लाग रही है हां हालत हो रही है धन पशु की हालत तो बहुत गंभीर है धन की तो पशु की है तो मान के गया तो हालत बहुत खराब है। एक आखिरी प्रश्न कर ले ओ लॉकडाउन लगानो थारी नजर में सही है या गलत है? लॉकडाउन सही है। अच्छा ये लारले साल पिछले साल रह क्या अब एक बार लूज देने के बदलो ग्रामीण इलाके में फैल गयो जना ग्रामीण इलाके में फैल तो कौन वो सही है। अच्छा लॉकडाउन तो बहुत सही है। लॉकडाउन थारी नजर में कोई गलत कौन है? गलत कौन है? गलत कौन है? लॉकडाउन तो अब ये है बिया मरिया तो मरिया लॉकडाउन लंबो दियो छोड़ियो छूट करी जन बेबी सा उन लागी जना ग्रामीण इलाके में आता सुनी कौन है मतलब दिल्ली दाली है जयपुर जापर है इलाका में सुनता अब तो हिसाब आ जाते आम होगी जना अभी है लॉकडाउन सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद थे टाइम निकालियो। हाँ जी बहुत। तो ये अपने साथ ग्रामीण वासी आज का जुड़ेड़ा साफ तौर पर कहना कि पानी पीने की जो समस्या है वह बहुत भयानक समस्या है और अपने देख गए कम कम एक किलोमीटर ला रहे भाई साहब गाड़ी मोड़ के ले आया पहला तो पूछा कि गाड़ी किया मोड़ के ले आया किया मोड़ ले आया गाड़ी पर एक खातिर फिर के समस्या पूछता फिर। अच्छा 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 कोई गांव की समस्या पूछे कोई कोरोना के बारे में पूछे नहीं सारी पूछा मैं कोरोना काल के मायने थार तक पहुंचे आ मोटी बात है छोटी बात है तकड़ी बात है जोरदार जोरदार बात। तो जल को भी कहने देखे करोगे देखा देखोगे हाँ जी। तो आज थार तक पहुंचा क्या लगा था बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। तो मतलब थे इतना दिन तो माने मतलब ऑन है जो को मीडिया के तौर पर वीडियो में देखे हुआ है तो आज मैं रूबरू देख रहा हूँ तो क्या मारो काम वाकई में ठीक है या क्या है काम है बाकी गांव थे समस्या समाधान समस्या को समाधान सारो की हुए प्रशासन अपन देखे COVID-19 को जमानो है मैं गाँव की आवाज ने बुलंद करने वास्ता हूँ ताकि किसी गाँव में पशु मर रहा है या दाना पानी है या कोनी लोगों की हालात के है ठीक है भी लोगों पर बात करना यहाँ तो थाने के लाग रहे COVID-19 को जो तीसरा चरण है वो लॉकडाउन लगाना सही में सही है या गलत है? देखो लॉकडाउन तो लगाना जरूरी है क्योंकि लोग अब शरीर में ज्यादा जितना भीड़ में और ज्यादा भी बच्चों में रोग तो फैल रही है गाँव में थोड़ी दिया गरीब आज में समस्या तो है ही क्योंकि सामान सटो सब बाजार में मिले बाजार में सब बंद कर दी जाए गरीब आज में जीवन तो हराम है और थाने के लगे लॉकडाउन आगे जा सके जी हिसाब से। अच्छा नहीं लॉकडाउन कोई दिक्कत कौन है लॉकडाउन कोई जनता की कोई समस्या कौन लॉकडाउन तो अभी जो को 10 तारीख को लगा है और जो आज 10 दिन पहले लगाता नहीं तो बहुत ही बढ़िया ही तो मेरा हिसाब आज 10 दिन लॉकडाउन पहले लाए तो मध्यम वर्ग है मध्यम वर्ग की आप बात कर रहे तो मध्यम वर्ग ई टाइम के सोचा है अगर जल्दी जल्दी पहला कंट्रोल कर देता तो आज तो लंबो लगाने भी मतलब कठिन कड़ी आप गांव वाला जो लोग हाँ आ चीज माना भी कोरोना तो है शहर निकल गया गांव में प्रवेश कर चुके हैं तो पहला अगर कर लेते हैं तो गांव तक पहुंचते ही कौन मारते माना इतना पाबंद करना जरूरत कौन पड़ती जी। तो कठिन कठिन गांव वालों की राय है कि लॉकडाउन लगाना वाकई में सही है। पूरे गांव में मैं जा चुके हैं बंदा गांव में और गांव की गलियां देख चुके हैं इत्तेफाक को 2-3 आदमी मिल गया बात भी कर ली मैं लेकिन गलियां पूरी सुनी है और दुकाना सारी बंद है और जो 10 तारीख को नियम चेंज हुआ इन बाद में तो यहाँ केस कहा कि आदमी आपकी मानसिकता चेंज कर ली सारा सारा आदमी है जो अंदर है कोई बाहर को निकलियो करीबन ईटे में अगर बात करें तो माने आधो पौन घंटा हो गया पूरे गांव में घूमता लेकिन एक भी आदमी है जो को नजर को नहीं आ रहे हो
तो अब है जो मैं थाने बता दिया कि बड़ी इत्तेफाक की बात है और पहली बार इसी बात हुई है कि मैं कवरेज तो लून कंसर ने करना आया, लेकिन लून कंसर बोल रहे सामने थान दिखने लग रहे, लून कंसर सामने जस्ट सामने लून कंसर दिखने लग रहे, और गांव है और जो को गांव आधो गांव बसड़ो है जो को यहाँ के कांपा बीकानेर में है, जो को बसड़ो है सीमा है इनका तीन टुकड़ा कृषक कांपा बीकानेर का कृषक बीच वाड़ में आ जाए और लून कंसर में आ जाए, तो अब सीमा विभाजन है के टकिया वेड़ो है भी चीज में ध्यान को, लेकिन आप अपना काम में कवर करना चाहे किसी तहसील में हो किसी अपने बीकानेर जिले में तो आ ही रहा है, तो आज अपना बंदा गाँव में पहुंचा बंदा गाँव की जो स्थिति है वह बताई पूरी गलियां खाली पड़ी है, कोई एक भी गली इसी कौन जबकि गली में आदमी थाना नजर आवे, तो ये एपिसोड पर थारो के कहनो है गांव की हालात है मैं थाने लगातार बता रहा, और अगर थे नया हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लियो, चैनल ने लाइक कर लियो सब्सक्राइब कर लियो, और घर बैठा मारी जो खबरों को प्रसारण है थे देखता रहो। जय हिंद जय राजस्थान जय बीकानेर।